बीते लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे चेहरों को दरकिनार कर दिया और कहीं ना कहीं ऐसे चेहरों को हटाने का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा। लेकिन अगर बात करें अपर्णा यादव की, तो अपर्णा यादव का ना कोई विवाद रहा है और ना किसी भी तरीके का कोई पार्टी से विवाद रहा। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने 2 से 2.5 सालों में भी अपर्णा यादव को कोई जिम्मेदारी नहीं दी। ऐसे में माना ही जा रहा है कि इस बार के उपचुनाव में अगर अपर्णा यादव को कोई जिम्मेदारी नहीं मिलती है तो शायद वो सपा पार्टी का रुख करती हुई नजर आए। हालांकि ये अटकलें अब भी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरीके से करहल सीट खाली करते हैं, माना ही जा रहा था कि अपर्णा यादव को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से अभी जमी हुई है, उससे ये साबित होता है कि अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाली। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर अखिलेश यादव को किसी और कैंडिडेट को उतारना पड़ सकता है। ऐसे में अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि तेज प्रताप यादव को मैदान में उतार दिया है। वहीं मिल्कीपुर सीट से बात करें तो अजीत प्रसाद को मैदान में उतारा गया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी अपना पूरा दमखम दिखाने का प्रयास कर रही है। माना ही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है अपर्णा यादव को कुछ सीटों पर अखिलेश यादव का समीकरण बिगाड़ने के लिए उतार सकती है। हालांकि अपर्णा यादव ने इसके पहले चुनाव के लिए साफ कर दिया था कि वो अपने परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगी। अगर ऐसा हुआ तो शायद ही भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को कोई मौका देते हुए नजर आए। ऐसे में अपर्णा यादव का इस जिद पर रहना कि वो अपने परिवार के खिलाफ चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगी, शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी देने से बचती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल अभी जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अब माना यही जा रहा है कि कुछ सीटें हैं कटहरी सीट, मिल्कीपुर, करहल और बिजनौर सीट, जहां पर अपर्णा यादव को बड़ा मौका भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे विवादित चेहरों को अपनी पार्टी से दूर रखा जो उनके लिए चुनौती बन सकते थे, जिसमें वरुण गांधी का नाम, बृजभूषण शरण सिंह, संगमित्रा मौर्य का नाम भी शामिल है। ऐसे में माना यही जा रहा है कि इस बार अगर अपर्णा यादव किसी भी तरीके का इनकार करती हैं तो अब आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी खुद उनको दरकिनार कर देगी या फिर वो किसी और पार्टी का रुख करेंगी। क्योंकि अभी अपर्णा यादव का राजनीतिक भविष्य की बात करें तो उन्होंने कोई ऐसा बड़ा अचीवमेंट नहीं अपनी राजनीतिक करियर में लिया है जितना उनकी जेठानी डिम्पल और यादव परिवार के सदस्य रह चुके हैं। यादव परिवार का कोई सदस्य ऐसा नहीं है जो राजनीति में नहीं है। लेकिन अपर्णा यादव को इस तरीके से निष्क्रिय रखे जाना कहीं ना कहीं शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका माना जा सकता है। वहीं अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव ने हमेशा से कहा है कि अपर्णा यादव के लिए घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं, वो कभी भी आ सकती हैं, उनका हमेशा स्वागत रहेगा। तो अब ऐसे में देखना होगा कि क्या इस बार अपर्णा यादव परिवार के खिलाफ जाती हैं या परिवार के समर्थन में जाकर कोई निर्णय लेती हुई नजर आ सकती हैं।